जोगीराम से आग जी जुड़ गए हमारे साथ, जेजेपी के विधायक। जोगीराम जी बहुत स्वागत है आपका सीडल एनसीआर हरियाणा पर। धन्यवाद। जोगीराम जी, देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि आप सरपंचों को समझाने की बजाय उन्हें उकसा रहे हैं। नहीं, मैं समझ उकसा मैं किसी को नहीं रहा, मैं तो सही बात है वो कह रहा हूँ। इससे उकसते हैं तो उकसे और समझे तो समझे, मेरा इस बात से नहीं है। मैं तो जो बात है सरपंचों की बात भी नहीं है, मैं तो विकास की गति को जो थम गई है उस गति को, विकास की गति को तेजी देने के लिए पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं, सरपंच बनते हैं, और तो गति ना पकड़े मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। वो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि वो हिसार गए थे, तब उनके खिलाफ कुछ लोगों को भेजा गया था हिसार में उनका विरोध करने के लिए। ये मेरी फितरत भी नहीं है, और ये तो सोचने वाले और कहने वाले की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे इस बात से ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये मेरी फितरत नहीं है। मैं कभी किसी के विरोध में ना भेजता हूँ ना कोई और। जोगीराम जी, आपको क्यों लगता है कि देवेंद्र बबली ही इस ई टेंडरिंग के मुद्दे में सबसे बड़ी अड़चन है, ये आप क्यों कह रहे हैं? ये पंचायत मंत्री हैं, ये कहें करें, इसका इनका निकालने का इनका फर्ज बनता है। अगर जो विकास की त्रुटि है उसको तेजी लाएं, इसीलिए मंत्री बनाए जाते हैं और डिपार्टमेंट दिए जाते हैं अलग अलग, तो ये इनका फर्ज बनता है, इसलिए इसमें प्रयास करें काम में तेजी लाने के लिए। अच्छा, एक तरफ डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला जी अपील कर चुके हैं कि एक बार सरपंच इस नई व्यवस्था को अपना कर तो देखें, उसके बाद कोई बात होगी तो बैठकर बातचीत की जाएगी, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। आप कह रहे हैं देवेंद्र बबली की वजह से ये पूरी अड़चन है, इसलिए मुद्दा नहीं सुलझ रहा है। देवेंद्र बबली आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप उकसा रहे हैं सरपंचों को, एक ही पार्टी के अलग अलग, जब डेप्यूटी सीएम क्लियर कर चुके हैं तो ये अलग अलग बात क्यों? एक ही व्यक्ति कोई साबित कर दे, मैंने किसी को कभी कहा, मेरा रिकॉर्ड होता है। और दूसरा बात, डिप्टी सीएम साहब की, डिप्टी सीएम साहब ठीक अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मैं डिप्टी सीएम साहब ये कहते हैं एक बार अपना के देखें, एक बार मैं कहता हूँ एक बार इन सरपंचों को काम करने के देखो, काम करने तो दो, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस कर लेना, तो कभी आपको लगे आप मैंने अब ई ट्रेंडिंग शुरू करके देखते हैं, तब सरपंच भी मतलब जो अपने जो काम विकास के काम है उनको गति पकड़ा चुके और वो काम कराने में अच्छी तरह सक्षम भी होंगे, यदि अगर टेंडरिंग से करवाने हैं तो पहले एक बार इनको काम करने तो दें। जोगीराम जी, देवेंद्र बबली ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को लूटने की मंशा है, जिन लोगों की, वो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो लूटने की मंशा तो जब पता चलेगा ना, जब उनको कुछ करने देंगे वो लूटेंगे। अब उनको किसी को जब कुछ करने नहीं दिया, उनको चोर कहना कहाँ की मानसिकता है, जब आपने कुछ किया ही नहीं यार, उसको कह देना कि आप इसमें लुटोगे, ये तो वो बात हो गई। एक हमारा देशी कहावत है, बिलावे गंडे बोएंगे खेत में ईख, सुनते हो ना आप, बिलावे गांव के चूस जाएंगे, बिला पहला गांव नहीं फूक दे कुकुर चूस जाएंगे। हाँ। तो पहले उन्हें करण तो दो, चोरी तो जब करें जब ये कि में करेंगे, पहले उनको चोर कहना शुरू कर दो, पहले चोर कहना क्यों करते हैं, एक बार काम करने दें। ये दिगर कोई भ्रष्टाचार फैलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, आपके पास प्रजातंत्र है, प्रशासन है पूरा, आप कार्रवाई आप किस लिए हैं, सरकार किस लिए होती है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और विकास को गति देने के लिए, विकास के कार्य करवाने के लिए, बिना करें ही देना कोई मतलब जो है चोर हैं ठगी करेंगे, ऐसी बात नहीं होती, ऐसी कहनी भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बड़े आदरणीय होते हैं मंत्री जी, हमारे भी आदरणीय हैं, उनको मतलब जो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनकी गरिमा के खिलाफ है ये कह देना कोई वो चोर है, ऐसी सोच की बात करनी चाहिए, किसी को चोर नहीं करना चाहिए जब तक साबित ना हो। नहीं, कांग्रेस और बाकी पार्टियां आप कह रहे हैं कि जेजेपी की फूट सामने आ रही है। दरअसल देखिए, एक ही मुद्दे पर आप कुछ और कह रहे हैं, देवेंद्र बबली आप पर आरोप लगा रहे हैं, डेप्यूटी सीएम कुछ और कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वजह कुछ और है। दरअसल ई टेंडरिंग तो सिर्फ बहाना है, नाराजगी तो आप किसी और मुद्दे पर जता रहे हैं। नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, बाकी मुद्दा पे ई टेंडरिंग के मुद्दे पे मैं सिर्फ एक मुद्दे पे सरकार के खिलाफ हूँ, बाकी पूर्ण रूप से सरकार के साथ हूँ, पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ। और सरपंच एसोसिएशन ने ये चेतावनी दी है कि अगर आप लोग विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो वो गाँव में नहीं घुसने देंगे आप लोगों को। मैं तो सबसे पहले उठाने वाला मुद्दा हूँ, और यदि अगर फिर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सही बात को, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा से बाहर हो, चाहे किसी की सरकार हो, किसी की पार्टी हो, उससे कोई नाराज हो कोई खुश हो, जो सही बात है मैं उसको कह बगैर नहीं रहता। ठीक है जोगीराम से आज ही एक और मैं लास्ट सवाल लेते हुए बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लूंगी।
जोगीराम जी, इस मुद्दे का समाधान आपको कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने तो सारा आरोप मढ़ दिया देवेंद्र बबली पर कि जो हो रहा है, और जिस सारी इस पूरे मुद्दे की जड़ी देवेंद्र बबली है। देखो, जो जिम्मेवार होता है, जिसकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे उसका खोट ना हो, लेकिन जिम्मेवारी उसको लेनी पड़ती है। कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी गलती करता है तो उसका उस अधिकारी को लेना होता है, वो करे तभी उसकी जिम्मेवारी तय होती है। उसी प्रकार ये मंत्री है, पंचायत मंत्री है, मंत्री तो हरियाणा सरकार में बहुत सारे हैं, उनको नहीं कहा जाता। ये पंचायत मंत्री है, सरपंच पर पंचायत मंत्री के अंडर में आते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेवारी बनती है उस समस्या को हल करवाने का। ठीक है, जोगीराम सियाग जी।